दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है, ब्लॉक हो गया है, काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है तो आप कैसे घर बैठे अपना एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना है, ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट का जरूरत है, आप सिंपली आपका घर में बैठ के योनो SBI ऐप के मदद से अप्लाई कर सकते हैं और वो प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको योनो SBI ऐप में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको MPIN डालना है, MPIN डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। अगर आप योनो SBI ऐप में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख के एक बार आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे MPIN डालूंगा। MPIN डालने के बाद मैं लॉगिन कर लूंगा और लॉगिन करने के बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट। तो सिंपली आपको सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है, सेटिंग्स है और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली एटीएम कार्ड में क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो आप इसमें से फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसका भी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डालूंगा, फिर नीचे सबमिट बटन है उसमें क्लिक करूंगा। तो मैंने प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया, फिर नीचे सबमिट बटन है उसमें क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है। यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है जैसे कि ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, रिक्वेस्ट, रिप्लेसमेंट कार्ड और एक्टिव कार्ड। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट न्यू कार्ड उसमें क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है। और यहाँ पे आपको देखिए सबसे ऊपर क्या करना है, आपका जो अकाउंट है उसको चूज कर लेना है। हो सकता है आपका 2-3-4 अकाउंट है, इसमें से जिस अकाउंट के लिए आप एटीएम कार्ड को लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको नेम डालना है, अपना जो भी आपका नेम है उस नेम को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो कार्ड है कार्ड को चूज कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे वीसा कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, रुपे ग्लोबल कार्ड है, वीसा ग्लोबल कार्ड है। तो इसमें से मैं यहाँ पे चूज करूंगा वीसा ग्लोबल क्योंकि वीसा ग्लोबल काफी अच्छा कार्ड है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिलेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ऊपर सारा कुछ फिलअप कर दिया और नीचे यहाँ पे एक टर्म्स देखेंगे, उस टर्म्स को आप चेक कर दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे नेक्स्ट बटन देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आएगा एक OTP, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और फिर नीचे यहाँ पे सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे OTP को एंटर करूंगा, तो मैं यहाँ पे OTP को एंटर कर दिया, फिर नीचे सबमिट बटन है उसमें क्लिक कर देंगे। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे ही क्लिक कर दिया यहाँ पे एक पॉपअप जेनरेट होके आता है कि वी विल बी प्रोसेसिंग योर कार्ड रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस नंबर शॉर्टली, यानी मेरा जो डेबिट कार्ड है उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास बहुत जल्दी ATM कार्ड आ जाएगा। तो इसमें ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत आसान सा तरीका है, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।